खुशी के साथ देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। इस दौरान सम्मिलित हुए विधायक श्री रमेश मेंदोला, विधायक श्री गोलू शुक्ला, श्री डॉक्टर राजेंद्र भार्गव, श्री निर्मला भार्गव, श्री रितेश तिवारी, मीडिया प्रभारी श्री लोकेंद्र सिंह राठौर, श्री शानू शर्मा, श्री पप्पू कोचले, राजेश जी गोयल, श्री मुरली धमानी, श्री पंकज जय गणेश, श्री कांताओं अग्रवाल, श्री अंकित अग्रवाल, श्री आकाश अग्रवाल, श्री विनोद बंसल, श्री अनिता जय गणेश, श्री शशि एरन, श्री दीपक यादव, गौरव अग्रवाल, मित्र मंडल। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय पार्षद भाई शानू शर्मा जी उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है। आगे मिले सबकी कैटरिंग मेरे से आके मिले कृपया तालियों से स्वागत कीजिए भाई साहब बधाई रही है। हेलो, हमारे बीच पूर्व पार्षद हमारे बड़े भाई सिंह जी राठौर पधारे, उनका स्वागत है। बताइए, आज आपका विशेष रूप से न्योता भी था अयोध्या में, पर आप स्वास्थ्य की वजह से नहीं गए। आज पूरा विश्व अयोध्या में हो गया है और पूरा विश्व आज राम को जन्म को उत्सव मना रहा है और एक बार पुनः पूरा भारत में दिवाली मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 500 वर्षों के बाद यह पहला अवसर आया है कि भारत का ही राम भक्त नहीं, दुनिया के समस्त राम भक्त दो दो दिवाली मना रहे हैं। आज संध्या को प्रत्येक घर पर दीपक जलेगा, राम के आगमन की खुशी दीपक के रूप में प्रकट करेंगे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और वह जो क्षण था जिसे मैं राम की बताया, शानू भैया आज पूरा इंदौर भगवामय है और आपके मार्गदर्शन में भी काफी जगह भव्य यात्रा निकल रही है, प्रसादी बट रही है और भोजन भंडारे चल रहे हैं, और क्या कहेंगे आप विशेष रूप से? पूरा समुचे भारत इस समय भगवा में है, राम में है, और जो लगभग 550 से 600 साल का इतिहास था वो आज खत्म हुआ है। पूरे देश दुनिया के अंदर पचवी सभी जगह दिवाली मन रही है, ये बड़ा सौभाग्य का बात है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि ये वाली जो पीढ़ी है उन्होंने रामलला को साक्षात उनके महल के अंदर। आपका परिचय दीजिए। मैं शानू शर्मा वार्ड में ऐसे से बात करता हूँ। बताइए, आज विशेष रूप से आप पूरा देश दिवाली मना रहा है और हमारा जो क्षेत्र अयोध्या, उसमें आप अयोध्या में आपने काफी सारे यहाँ पर एक नवाचार करते रहते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा कि आज पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हम रामलला को 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या जी में विराजित होते देख रहे हैं। हमारे तपस्वियों के समान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1990 से लेकर, और या यूँ कहो कि 1986 से लेकर अब तक जो लगातार प्रयास रहे उसके चलते आज अयोध्या जी में भव्य
दिव्य और नव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ और रामलला उसमें विराजे। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 1990 और 92 में जब वो बाबरी ढांचा ढहाया गया तब मुझे वहाँ कार सेवा का मौका मिला, और जब वो ढांचा ढहाया जा रहा तब भी मैं अपनी इंदौर की टोली के साथ उस ढांचे पर था, और भगवान ने तब भी मुझे वो सौभाग्य प्रदान किया था। और आज भी मैं भगवान रामलला को अपने भव्य मंदिर में विराजित होते देख रहा हूँ। तो एक ही जीवन में कई हमारे बहुत पुराने मूल्य होंगे जिनका उदय हुआ और उसके रामलला को वहाँ पर विराजित होते। और गौरव भैया लगातार इस प्रकार की जनसेवा और समाज सेवा करते रहते हैं, आज भी इनके द्वारा पूरे क्षेत्र में प्रसाद वितरण किया गया, क्या कहेंगे अयोध्या में विशेष रूप से ये होता है? नहीं, गौरव जी का जो परिवार है पूरा बड़ा धर्मप्रेमी परिवार है, कोई भी धार्मिक आयोजन हो गौरव जी और इनके पिताजी भी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो उनका भी बड़ा धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति रुझान था, तो इस परिवार का शुरू से ही धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत रुझान। आपका परिचय दीजिए। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व पार्षद, इंदौर। थैंक यू।